इंस्टाग्राम पर जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, आपको वेरिफिकेशन पेज मिल जाता है, आपके अकाउंट पर ब्लू टिक लग जाता है। इसके बाद क्या आपका अकाउंट ग्रो होता है, मतलब आप जो भी रील्स पोस्ट करते हो उस पर ज्यादा व्यूज आते हैं, वो वायरल होता है या नहीं होता है, इस वीडियो में आपका ये डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। काफी लोगों को ये मिथ होता है कि ब्लू टिक मिलने के बाद हमारी रील्स ज्यादा वायरल होगी, ज्यादा व्यूज आएगी, तो चलिए ये भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। और मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, जैसे ही मेरे को ब्लू टिक मिल गया था स्टोरी पर मेरे कितना व्यूज आया है, ब्लू टिक मिलने के बाद क्या स्टोरी पर ज्यादा व्यूज है, तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, आप कोई भी ब्लू टिक मिलने के बाद स्टोरी पोस्ट करते हो, वो तो आपको मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिया, देन इसके बाद कोई भी पोस्ट करते हो या रील्स पोस्ट करते हो उस पर ज्यादा लाइक्स व्यूज आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए गाइस, यहां पर मैं अपने अकाउंट पर विजिट करता हूं, देन मैं यहां पर रील्स सेक्शन में आता हूं, तो यहां पर देखिए गाइस, मेरे को 2 दिन पहले ब्लू टिक मिल गया था, देन उसके बाद मैंने कल के दिन एक रील्स पोस्ट किया है जो कि मैंने नाइट में किया था, ये कोई 10 PM पर, आई थिंक इस टाइम ही मैंने किया था 10 PM पर नाइट में। तो यहां पर देखिए, अब से पहले आप एक वीडियो को इग्नोर कर दीजिए, इस वाली को, लास्ट वाली को, इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो पोस्ट किया है वो विदाउट ब्लू टिक के है, उन पर 2000 व्यूज मुश्किल से आते थे, यहां पर आप देख सकते हो 1000-1500 व्यूज बस यहीं तक आते थे, किसी किसी वीडियो पर चला जाता था गाइस मेरे 2000 प्लस व्यूज, अदरवाइज तो 1000 व्यूज रो रो के आते थे। आज वीडियो अपलोड किया है तो 2-3 दिन बाद उस पर 1000 व्यूज होते थे, इन वीडियो पर सभी पे ऐसा हो रहा था। ये वीडियो मैंने काफी टाइम पहले अपलोड किया तो 2-2, 3-3, 10-10 दिन बाद इन पे 1000 व्यूज आते थे। लेकिन गाइस कल के दिन मैंने ब्लू टिक मिलने के बाद मैंने कल के दिन फर्स्ट वीडियो पोस्ट किया है, ये वाली आप देख सकते हो, जिस पर 3785 व्यूज आए हैं। मतलब कहने का यह है, ब्लू टिक मिलने के बाद जब मैंने वीडियो को पोस्ट किया है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ये वाली, इस पर इतना ज्यादा व्यूज आ गया है कि पिछली वीडियो से अगर मैं कंपेयर करूं, आप यहां पर सभी वीडियो देख सकते हो, इनसे 2x ज्यादा व्यूज आया है। यहां पर आपके सामने प्रूफ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। अब यहां पर देखो, एक बात और दिखा देता हूं, यहां पर ब्लू टिक से पहले मैंने ये वाली वीडियो अपलोड किया था जिसपे 2449 व्यूज है, मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, इस वीडियो पर 189 लाइक है, 20 कमेंट है और 7 शेयर है। इसके अलावा मैं और कोई सी वीडियो लेता हूं, इस पर देखिए 188 लाइक है, 13 शेयर है, 14 कमेंट है। इसके अलावा मैं ये वीडियो लेता हूं, इस पर 103 लाइक है, 8 कमेंट है, शेयर कोई नहीं है। कुल मिलाकर यहां पर आप रिजल्ट देख लीजिए, मतलब ना लाइक आती ज्यादा, ना कमेंट आती, ना ज्यादा शेयर आते, आपके सामने यहां पर प्रूफ है गाइस, और व्यूज भी ज्यादा नहीं आते थे, 1000-1500 व्यूज मुश्किल से आते थे। और जैसे ही मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया ब्लू टिक मिलने के बाद 3785 तो व्यूज आ गया है, और अभी आपके सामने रिफरेंस करूंगा तो इस पर व्यूज आ ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। देखो यहां पर 3786 हो गया है 85 से, और जितना मैं रिफरेंस करूंगा हर रिफरेंस में यहां पर व्यूज आते रहेंगे, मतलब कहने गए हैं व्यूज नहीं रुक रहे हैं, व्यूज ज्यादा आ रहा है। अब यहां पर मैं जैसे ही इस वीडियो पर प्ले करता हूं, तो यहां पर सबसे पहले तो आप लाइक देख लीजिए, 326 पिछली वीडियो के कंपेयर में ज्यादा लाइक आ गया है। इसके बाद आप कमेंट देख लीजिए, 48 कमेंट भी ज्यादा आ रहा है। इसके बाद शेयर देख लीजिए, 51। कुल मिलाकर बात यह है, व्यूज भी ज्यादा आ रहा है ब्लू टिक मिलने के बाद, और एंगेजमेंट जिसको हम लाइक कमेंट शेयर बोलते हैं और सेव बोलते हैं, ये भी ज्यादा आ रहा है। यहां पर मैं आपको इसका एनालिटिक्स दिखा देता हूं, यहां पर मैं इनसाइट में आ जाता हूं, व्यू इनसाइट में, तो यहां पर गाइस आप इनसाइट देखिए, ब्लू टिक मिलने के बाद 3493 व्यूज आ गया है, 325 लाइक, 48 कमेंट, 51 शेयर और 14 सेव। यहां पर आप देख सकते हो अकाउंट रीच कितनी ज्यादा आ गया है, 3164, 810 फॉलोवर्स वो है जो मुझे फॉलो करते हैं, सिर्फ उन्होंने देखा है, और 2354 वो फॉलोवर्स है जिनको हम नॉन फॉलोवर्स बोलते हैं, जो हमें फॉलो नहीं करते उन्होंने देखा है। मतलब हमारी रील्स को ज्यादा बूस्ट मिल गया है ब्लू टिक की वजह से, और इसी तरह मेरी स्टोरी को मिल रहा था गैस, काफी हद तक काफी अकाउंट ग्रो हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हो, आपके सामने प्रूफ है भाई, प्रैक्टिकली वर्क करके जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वही आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ज्यादा व्यूज लाइक्स कमेंट आ रहे हैं, आपके सामने यहां पर एग्जांपल है। और विद आउट, यहां पर देखिए विद आउट वाली जो है ना, विदाउट ब्लू टिक वाली वीडियो थी ये वाली, का मैं आपको इनसाइट दिखाता हूं, देखिए कितना ज्यादा खराब है, आप यहां पर देखना खुद, यहां पर आप देखो 2448 व्यूज है, ये भी गाइस ब्लू टिक मिलने के बाद बढ़ गए थे, इस पर अदरवाइज तो 1000 ही व्यूज थे। मैं कोई और वीडियो ले लेता हूँ, पहली बात यार आप ये देख लीजिए, 189 लाइक, 20 कमेंट, 7 शेयर, 11 सेव, ये ब्लू टिक के बाद ही आया है, इस पर व्यूज अन्य आ नहीं रहे थे गाइस, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मैं और कोई सी वीडियो लेता हूँ, चलो इसका दिखा देता हूँ गाइस व्यू इनसाइट आपको, तो बहुत ज्यादा बेकार था, कुल मिला के काफी सही हो गया है ब्लू टिक मिलने के बाद। यहाँ पर आपके सामने सब कुछ क्लियर हो रहा है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। तो गाइस ये था रील्स का एक्सपीरियंस, काफी हद तक मेरे को लगा है कि जो नॉर्मल मेरे व्यूज आ रहे थे उनमें 2x व्यूज आ रहा है ब्लू टिक मिलने के बाद मेरी रील्स वीडियो पे। फर्स्ट वीडियो शेयर किया है मैंने आपको, वही दिखा दिया है उस पर कितना ज्यादा व्यूज आया है ब्लू टिक
मिलने के बाद जो पोस्ट किया है वीडियो, तो सारा रिजल्ट आपके सामने आ गया है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ब्लूटिक मिलने से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं या नहीं आते हैं। भाई मैंने रिजल्ट आपको दिखा दिया है, तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने स्टोरी व्यूज़ कवर किया है ब्लूटिक मिलने के बाद, रील्स व्यूज़ कवर कर दिए। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट करोगे उस पर भी आपके ज़्यादा कमेंट आएंगे, ज़्यादा रीच मिलेगी उसको। जिस तरह रील्स को मिल रहा है, इसी तरह आपके पोस्ट पर ज़्यादा लाइक कमेंट आएगा। इसके बाद मैं और वीडियो कवर करने वाला हूँ रीच एंगेजमेंट को लेकर, अकाउंट की रीच एंगेजमेंट होती है, इसके अलावा फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं ये नहीं होते हैं, अकाउंट ग्रो होता है ये नहीं होता है, तो काफी वीडियो मैं कवर करूंगा, डोंट वरी गाइस। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सको।